ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़ा ही पावन महीना चल रहा है सावन का, 2024 है ये। और मैं खड़ा हूँ पाठशाला के स्टूडियो में। ये स्टूडियो भी है मेरे लिए मंदिर जैसा है। आज हम लोगों ने श्री नारायण और लक्ष्मी माता का अच्छे से पूजा पाठ करा। पूजा पाठ को लेकर मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप उसमें कितना मन लगा रहे हो, कितनी श्रद्धा दिखा रहे हो, ठीक है। तो वो पूरा प्रोसेस जब आप उसमें मन लगाना शुरू करते हो, यानी जब आप फूल माला इकट्ठा करते हो, थोड़ा डेकोरेट करते हो, प्रसाद अरेंज करते हो, तो वहीं से वो शुरू हो जाता है। फिर आप मंत्र तक ले जाते हो, समापन में ले जाते हो, तो वो सब कुछ उसी जो पूरा एक क्रम है वो पूरा पूजा ही है, ठीक है। तो हम सभी को ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए अपने इष्ट देवता के लिए। भाई तभी मैं ये एक न्यू सेशन का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि आज का दिन अच्छा है तो मुझे लगा आप लोगों से एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो अब है कि 2025 का फाइनली हम लोग बैच अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली, काउंसलिंग प्रोसीजर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, अब अपनी पढ़ाई अब विश्वविद्यालयों में जाके करना शुरू कर दोगे। तो मैं चाहूंगा कि अब आप लोग अच्छे से पढ़ो और अपने घरों में बताओ कि 2025 की अगर तैयारी करनी है तो पाठशाला के साथ जोड़ सकते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में आने के बाद ही पूरी कहानी नहीं खत्म होती है। लाइक जैसे आप आ गए हो तो अपना एम मत भूलो। अब आप आ गए हो तो ये देखो कि मास्टर्स के पास समय ज्यादा बचता नहीं है भाई। अब इसके बाद एंड ऑफ एजुकेशन है आपके लिए पर्सनल लाइफ में, या तो आप जॉब में जाओगे या तो फिर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, मतलब वट एवर आप जो भी बनना चाहते हो। आप बस एक 2 से 3 साल ही होते हैं, इसी में आपको खुद को बनाना होता है। और कुछ लोग तो डबल मास्टर्स भी कर रहे होते हैं, तो खुद को समझो कि मतलब अब आप इस एज में हो, इस एरा में हो ना, कि मतलब एज सून एज पॉसिबल आपको कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ेगा। मैं अपने यहाँ कम से कम 4 ऐसे प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जहाँ से लोगों को मैं जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत आते हैं, सर मुझे ये जॉब दे दो या कोई जॉब दे दो, बस पॉकेट मनी निकल जाए, घर का खर्चा निकल जाए, थोड़ा घर से पैसे मांगने में शर्म लगता है, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है लोगों से। तो मैं 4 जॉब क्रिएट कर रहा हूँ, एजुकेशनल है, ठीक है, मतलब आप भी पढ़ने के लिए आ रहे हो तो पढ़ने वाला ही काम जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लेटफॉर्म पर जरूर जुड़े रहना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अबाउट 15 डेज में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे यहाँ ये वैकेंसीज है और यहाँ यहाँ आप ये जॉब कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा चैनल पे, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हो तो बहुत सारा प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए और अपनी सरल बनिए और स्वभाव हमेशा अच्छा रखिए, अच्छा बोलिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी संगत पकड़िए, अपने काम हमेशा बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से करो और एकदम ऑनेस्ट लाइफ जियो। बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहोगे हमेशा, आपको अच्छा लगेगा कि ये जीवन आपका अच्छा जा रहा है, अपने परिवार से जुड़ेगा। ये तमाम बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप आ रहे हो घर से, तो थोड़ा आपका इमोशनल मोमेंट होगा। तो कोशिश करो कि दिन में एक बार आप बातें उनसे करो और ये ध्यान रखो कि आप जो भी कर रहे हो उन्हीं के लिए कर रहे हो। फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के जीवन में, हम सभी लोग अपने परिवार के लिए बेसिकली कर रहे हैं, या जो परिवार अभी है या जो परिवार आप आगे बनाने वाले हो, ये 2 चीज होती है। तो आप लोग मुस्कुराते रहे, देश भावना इसमें अपने आप नहीं खो जाता है, तो राष्ट्र सर्वोपरि है, हमेशा हम लोग अपना जो विकास करेंगे तो राष्ट्र अपने आप उसमें जुड़ जाता है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत शुभकामनाएं मिलते हैं। बोलेगा नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः।